18 साल की उम्र में दीपिका पादुकोण को मिली थी जिंदगी की सबसे बुरी सलाह। अब एक्ट्रेस ने किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। दीपिका पादुकोण की हाल ही में फिल्म गहराइयां रिलीज हुई। शकुन बत्रा की फिल्म में निभाए गए उनके किरदार की खूब तारीफें हो रही है। रिलीज के बाद में फिल्म की सभी स्टारकास्ट एक सक्सेस पार्टी करते भी दिखाई दिए। एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी लाइफ में लोगों से अच्छी और बुरी दोनों तरह की सलाहें मिली है, और सबसे बुरी सलाह जो थी वहां उन्हें 18 साल की उम्र में मिली थी, जब उनसे ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के लिए कहा गया था। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू के दौरान दीपिका से पूछा गया कि उन्हें अब तक की सबसे अच्छी और सबसे खराब एडवाइस क्या मिली थी। इस पर वहां कहती है कि मुझे सबसे अच्छी एडवाइस शाहरुख खान से मिली थी और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जिसके साथ में अच्छा लगता है उसके साथ हमेशा काम करो, क्योंकि जब आप एक फिल्म बनाते हो तब आप लाइफ जी भी रहे होते हो, उस दौरान आप कुछ यादें भी सजोते हो और काफ़ी कुछ अनुभव भी करते हो। वहीं बुरी सलाह के बारे में एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मुझे सबसे बुरी सलाह ब्रेस्ट इम्प्लांट करने को लेकर मिली थी। तब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मैं हैरान होती हूँ कि मैंने इस बात को कभी गंभीरता से क्यों नहीं लिया। बता दें कि दीपिका पादुकोण ने 2007 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम थी, जिसमें उनके ऑपोजिट में शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल थे। इसे फराह खान ने डायरेक्ट किया था। उस समय दीपिका पादुकोण 21 साल की थी। उसके बाद में वे जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, बाजीराव मस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्में दी है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।